खटपट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं कोरबा जिले की प्रमुख खबरें फास्ट न्यूज पर। आज की हेडलाइन, 1 लाख लोगों को लगा कोविड वैक्सीन, भालू ने महिला को जख्मी किया, बरपाली के नायब तहसीलदार पहुंचे टीकाकरण केंद्र, कवि प्रभाकर शुक्ला ने लगवाया वैक्सीन। जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उसे फैलने से रोकने के लिए 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण का कार्य जारी है। जिले में अभी तक 45 वर्ष से अधिक के 99,395 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। पहली डोज लेने वाले लोगों में से लगभग 12,000 लोगों ने टीके की दूसरी खुराक भी लगवा ली है। इन दोनों में स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर, सीनियर सिटीजन सभी शामिल हैं। महुआ बिन्ने जंगल गई पत्रापाली निवासी कार्डबाई पर भालू ने हमला कर जख्मी कर दिया। डायल 112 वाहन की मदद से वृद्धा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करतला में भर्ती कराया गया है। घटना वन मंडल कोरबा के करतला परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पत्रापाली के भद्रापारा में घटित हुई। वन विभाग की ओर से तत्कालिक 500 रूपए की सहायता राशि उपलब्ध करा दी गयी है। करतला रेंजर जीवन लाल भारती ने बताया की महिला के संपूर्ण इलाज का खर्च विभाग वहन करेगा। नायब तहसीलदार बरपाली डॉक्टर रविशंकर राठौर ने करतला विकास खंड के विभिन्न कोविड टीकाकरण केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। कोथारी, सोहागपुर, उमरेली, बरपाली, सरकबुंदिया, पुराना, फरसवानी टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण कर कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कवि प्रभाकर शुक्ला ने धर्म पत्नी श्रीमती ममता शुक्ला के साथ कोरोना का टीका लगवाया। कवि श्री शुक्ला ने कोविड संक्रमण से बचाव के सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने तथा आसपास के लोगों को जागरूक करने और 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने संदेश में कहा कि खुद कोरोना से सुरक्षित रहे, अपने परिजनों को भी कोरोना से बचाए और अपने आसपास के लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज। आप देख रहे हैं खटपट।